हेलो, मैं आरके सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज का मेरा ये वीडियो आपका एमपीजी के का पार्ट 11 है। जो पिछला वीडियो आज ही हमने अपलोड किया है खजुराहो पर, खजुराहो मध्य प्रदेश की अमूल धरोहर, तो वो वीडियो क्रमांक हमारा 10 था, ये हमारा 11 है। और इसमें मैं आज एक ऐसा टॉपिक ले रहा हूँ जिससे आपके एमपीपीएससी हो, व्यापम हो या अन्य एग्ज़ाम हो, तो उसमें इसमें इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। लेकिन एक बात देखी गई है कि इस अभियान में, मध्य प्रदेश के अभियान में, बहुत सटीक जानकारी नहीं मिलती है और बहुत कम जानकारी किताबों में अवेलेबल है। यहाँ तक कि YouTube में भी देखें या हम Google में भी देखें तो बहुत ज़्यादा जानकारी इसमें अवेलेबल नहीं है। तो मेरा यही प्रयास है कि मैं इसमें सटीक और अच्छी से अच्छी जानकारी, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में दूं। तो चलिए हम चलते हैं। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने अभयारण्य हैं? तो लगभग जो है वो 24 अभयारण्य हैं। पहले आपके 25 अभयारण्य हुआ करते थे, लेकिन हुआ क्या है कि जो पालनपुर कूनो अभयारण्य आपका है, तो उसे 2018 में जो है वो राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया है। तो इस तरह से वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या जो है वो 25 से घट करके 24 हो गई है। और पालनपुर कूनो के बारे में कुछ हम जानकारी और भी दे दें आपको। जैसे एक तो जानकारी यही है कि 2000 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है, और लंबे समय से जो है ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जो गुजरात का आपका गिरी राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ से एशियाई शेर ला करके यहाँ पे रखे जाए। तो इससे भी क्वेश्चन बनता है कि गिरी से एशियाई शेर ला करके मध्य प्रदेश में कहाँ पे संरक्षित किए जाएंगे, तो पालनपुर कूनो में। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? तो एक प्रकार से हम संरक्षित को बोलते पाले जाएंगे, माने गिरी से जो एशियाई शेर है उनको लाकर कहाँ पाला जाएगा, कहाँ पाला जाएगा, तो पाला से बना लीजिए आप पालनपुर कूनो। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश का प्रथम अभयारण्य, तो मध्य प्रदेश का प्रथम अभयारण्य आपका कान्हा राष्ट्रीय कान्हा अभयारण्य है, जो मध्य प्रदेश का पहला अभयारण्य है। बाद में ऐसे जो है वो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया। तो मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी कान्हा ही है, और मध्य प्रदेश का पहला अभयारण्य ये भी आपका जो है वो कान्हा ही है। चलिए हम आगे चलते हैं। सबसे बड़ा अभयारण्य, तो सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है आपका? नोरा देही। सबसे बड़ा अभयारण्य कौन है आपका? नोरा देही। तो ये कई बार एग्जाम में आया है आपका ये, कि मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ा अभयारण्य है वो कौन सा आपका? नोरा देही। और छोटा छोटा अभयारण्य, तो छोटा अभयारण्य जो हमारा इंदौर का है, राला मंडल, इंदौर का हमारा जो है वो राला मंडल, ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य है। चलिए हम और आगे चलते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो है वो गाय अभयारण्य की शुरुआत की गई है, गाय अभयारण्य की शुरुआत की गई है। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है कि मध्य प्रदेश का पहला गौ अभयारण्य कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश का पहला गौ अभयारण्य जो है वो, उसका नाम है आपका कामधेनु गौ अभयारण्य। क्या नाम है? कामधेनु। तो स्वाभाविक है, कामधेनु हम जो है वो गाय को ही बोलते हैं कामधेनु, उसके गुणों के कारण से। और ये है कहाँ पे? तो ये हमारा जो है वो, जो हमारा 51वां जिला है, आगर मालवा, आगर मालवा, तो वहाँ पर ये स्थापित किया गया है ये। और दूसरा गौ अभयारण्य भी जो है वो प्रस्तावित है, तो वो आपका है बसावन मामा, बसावन मामा गो अभ्यारण्य। ये आपके रीवा ज़िले में सिरमौर में है, रीवा ज़िले में जो है वो सिरमौर तहसील में है। वहाँ पे एक कस्बा है छोटा सा, बसावन मामा के नाम से फेमस है वो, तो वहीं पे जो है वो मध्य प्रदेश का दूसरा गो अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है एग्जाम में कि सर्वाधिक अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पे हैं? तो कन्फ्यूज ना हो, अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात है तो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य मध्य प्रदेश है, लेकिन सर्वाधिक अभयारण्य वाला राज्य जो है वो राज्य न होकर के उसको हम केंद्र शासित प्रदेश कहेंगे, तो वो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो आपके हिंद महासागर में स्थित है और भारत का जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है।
तो यहाँ पे सर्वाधिक अभ्यारण है और अभ्यारण की संख्या भी हमने लिख रखी है 96 अभ्यारण जो है वो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं प्रमुख अभ्यारण की। तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं तो वो क्वेश्चन कैसे रहते हैं, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं होते हैं। एक जनरली क्वेश्चन तो ये होता है कि अभ्यारण का नाम देगा और किस जिले में है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। और दूसरे पैटर्न पे जो क्वेश्चन रहता है उसमें क्या होता है, कुछ कोई अभ्यारण जो है वो विशेष तौर से उसमें कुछ खास बातें होती हैं तो उनको भी वो पूछ लेता है। तो उसी को ध्यान में, एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने जो है वो एक बड़े सुटेबल ढंग से जो है उसको लिख रखा है। जहाँ पर विस्तार की जरूरत है वहाँ पर हमने विस्तार किया है, और जहाँ सिर्फ आपका जिले से काम चल रहा है कोई अभ्यारण किस जिले में है तो वहाँ मैंने उतना ही बताया है। चलिए हम चलते हैं, तो बात करते हैं हम नोरा देही की। तो नोरा देही आपका कहाँ पे है बता दिया हमने, सागर में है। तो इसको कैसे याद रखें, तो नोरा, नोरा से हम थोड़ा देर की बना लें नीर बना लें, थोड़ी देर की बना लें हम नीर बना लें। तो नीर, नीर माने होता है पानी, और पानी कहाँ पाया जाता है, सागर में पाया जाता है। तो नोरा, नोरा को थोड़ी देर के लिए हमने क्या बना लिया, नीर बना लिया। नीर मतलब होता है पानी, और पानी कहाँ मिलता है, सागर में। तो इस प्रकार से हम याद रखें कि ये सागर जिले में है। और जैसा हमने पहले बताया कि मध्य प्रदेश का जो है वो सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है ये, तो स्वाभाविक है इसका क्षेत्रफल भी हमको दिमाग में रखना चाहिए, पूछा जा सकता है। तो इसका क्षेत्रफल आपका है 1194.67 या 1194.67 वर्ग किलोमीटर, ये इसका जो है वो क्षेत्रफल है, इसको दिमाग में रखिएगा 1194.67 वर्ग किलोमीटर। और कब बना तो ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे बड़ा अभ्यारण है। तो इसके जो है ये 1975 बनाया गया, कब बनाया गया, 1975 बनाया गया। और एक चीज़ इसमें और ख़ासियत है कि जो अफ्रीकी चीता है, अफ्रीकी चीता, तो उसको जो है वो संरक्षित किया गया है नोरा देही अभ्यारण में, जो अफ्रीकी चीता को नोरा देही अभ्यारण में संरक्षित किया गया है। फिर हम आगे चलते हैं, तो राला मंडल, तो ये भी बहुत फेमस है क्योंकि ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण है। तो इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई 1989 में। और है कहाँ पे ये, तो आपका जो है वो इंदौर में है, हमारी जहाँ सबसे अधिक जनसंख्या है वहाँ पे ये इंदौर में है, राला मंडल इंदौर में है। और सबसे छोटा है तो बता दिया हमने, सबसे छोटा है ये, और इसका क्षेत्रफल भी हमको दिमाग में रखना है क्योंकि क्षेत्रफल एग्जाम में आ सकता है। तो वो है 2.34 वर्ग किलोमीटर, है ना, वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पे एक खास बात है कि जो जंगली लोमड़ी है, जंगली लोमड़ी उसको जो है वो संरक्षित किया गया है, किसको संरक्षित किया गया है, जंगली लोमड़ी को जो यहाँ पे संरक्षित किया गया है। और यहाँ पे मध्य प्रदेश का दूसरा तितली घर भी बनाया गया है, ये खास है, इसमें पूछा सकता है, हाल घटना है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो है वो दूसरा तितली घर जो है वो यहीं बनाया है, किसमें बनाया गया आपका, राला मंडल में, राला मंडल में। और अब कुछ नहीं पूछ सकता है, दिमाग में आता है हमारे कि प्रथम तितली घर, तो प्रथम तितली घर आपका जो है वो कहाँ पर बनाया गया है, गोपालपुर, गोपालपुर ये रायसेन का जो है वो एक कस्बा है, गाँव है गोपालपुर, है ना, तो रायसेन में। तो पहला तितली घर कहाँ बनाया गया, गोपालपुर रायसेन में, और दूसरा तितली घर कहाँ पे आपका, राला मंडल, और राला मंडल कहाँ पे आपका, इंदौर में है। चलिए आगे चलते हैं हम, तो एक ये है आपका खिबनी, खिबनी अभ्यारण, तो खिबनी अभ्यारण जो है वो दे, तो जब हमको भूख लगी होती है ना, तो हम कुछ खाना चाहते हैं, कुछ हम जो है वो खाना चाहते हैं, तो हम अपनी माँ से ही बोल देते हैं कि माँ खाना दे, मुझे खाना है। तो यहाँ पे बनाइए खिबनी, खिबनी से बनाने खाना बना लिए यहाँ पे, और खाना क्या करता है आदमी, मांगता है, कैसे मांगता है, दे, तो दे से बन गया आपका देवास, दे से बन गया आपका देवास। फिर चलते हैं हम अगला अभ्यारण, ये भी फेमस है आपका, पूछा गया एग्जाम में, सरदारपुर अभ्यारण, सरदारपुर अभ्यारण जो है वो कहाँ पे है, धार में है, सरदारपुर अभ्यारण कहाँ पे है, धार में है। तो थोड़ी देर के लिए हम कोडिंग बना लें कि जो सरदार होते हैं
तो उनको कानूनी दृष्टि से जो है वो एक कटार खोसने की, इसको कपाल बोलते हैं, तो वो खोसने की जो उनको कानूनी परमिशन होती है। तो उसमें क्या होती है, उसमें जो है वो अच्छी धार होती है, अच्छी धार होती है। तो सरदार की तलवार में धार, सरदार की तलवार में धार। तो इससे हम सरदारपुर कहाँ पर है आपका, धार में है। ठीक है, आगे हम चलते हैं तो आगे हमारा जो है वो, और हाँ इसको और देख लेते हैं, यहाँ पे जो खरमोर पक्षी जो है वो, खरमोर पक्षी को जो है वो यहाँ पे संरक्षित किया गया है। और अगर चलते हैं हम सैलाना, सैलाना ये भी एग्जाम में आया है। तो सैलाना कहाँ पे आपका, रतलाम में है। सैलाना कहाँ पे आपका अभ्यारण्य कहाँ पे है, रतलाम में है। तो एक चीज़ हम और जानकारी देना चाहेंगे, शायद आपको भी मालूम हो कि रतलाम, मध्य प्रदेश का रतलाम जो है वो अंगूर की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है, अंगूर की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो अब हम इसको रिकॉर्डिंग ऐसे बना सकते हैं कि रतलाम से लाना क्या लाना, अंगूर लाना, रतलाम से लाना। तो सैलाना कहाँ से लाना, रतलाम से लाना, और क्या लाना, अंगूर लाना, क्योंकि यहाँ का अंगूर जो है वो काफ़ी फेमस है और अच्छा होता है। चलिए हम आगे चलते हैं, करेरा। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि कड़ुआ, करेरा मतलब कड़ुआ। तो कड़ुआ क्या होता है, तो कड़ुआ आपका जो है वो किसने धारण किया था, कड़ुआ क्या होता, विष होता है, और विष किसने धारण किया था, तो विष हमारे धारण किया था शिव ने, किसने धारण किया था, शिव भगवान जी ने धारण किया था। तो उससे हम बना लें शिवपुरी। तो करेरा से बना लिया हमने कड़ुआ, और कड़ुआ होता है विष, और विष किसने धारण किया अपने गले में, आज भी दिखता है उनके फोटो में देखें तो दिखता है कि यहाँ पर गले में उन्होंने विष अंदर नहीं ले गए बल्कि गले में ही उनको रोक लिया। तो विष किसने धारण किया, शिव ने धारण किया। तो इससे हम बना लें शिवपुरी। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो सोन चिड़िया है, जो सोन चिड़िया है ना, तो सोन चिड़िया को संरक्षण दिया गया है, सोन चिड़िया को जो है संरक्षण यहाँ पर दिया गया है। फिर अगला हम चलते हैं, अगला है आपका घाटी गाँव। तो घाटी गांव कहाँ पे आपका, ये अभ्यारण है, घाटी गांव है आपका ग्वालियर में। तो ग्वालियर में यदि हम आपके किले गए होंगे, ग्वालियर किला अगर हम गए हों, या जो वहाँ पे जो गुजरी महल है वहाँ पे गए हों, तो देखते हैं कि वो घाटी में है, वो एक ऊंची घाटी में वो स्थल जो है वो बने हुए हैं। तो उससे हम दिमाग रख लें कि कहाँ पर है घाटी, कहाँ पर है घाटी, जो है वो कहाँ बनी हुई है, ग्वालियर बने हुए हैं, घाटी जो है वो ग्वालियर संबंधित है। और एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पूछी गई है, वो जो हमारा राजकीय पक्षी है, राजकीय पक्षी जो है वो दूधराज या शाह बुलबुल, दूधराज या शाह बुलबुल, तो वो उसको जो है वो घाटी गांव में ही जो है संरक्षित किया गया है, घाटी गांव में ही संरक्षित किया गया है। तो दूध जो है, हम अगर हमको अच्छा दूध मिल जाए, अगर हम अपनी सेहत बनाना चाहते हैं, तो हमको दूध जो है वो घटाघट पीना चाहिए, दूध हमको कैसा पीना चाहिए, घटाघट पीना चाहिए। तो उससे रिकॉर्डिंग बना लीजिए कि दूधराज और कहाँ पे सुरक्षित है आपका, तो घटाघट है ना, घटाघट। तो उससे बना लीजिए घाटी गांव। फिर हम चलते हैं, आगे चलते हैं, अगला हमारा है चंबल, फेमस है चंबल, चंबल नदी पर इसका नाम पड़ा है, चंबल उस एरिया में चंबल नदी भी है, तो उसी के नाम पर इसका चंबल रखा गया है। और चंबल नदी कहाँ पे आपकी, भिंड मुरैना, कहाँ पे आपकी, भिंड मुरैना। और एक खासियत इस अभ्यारण्य की और है कि इस अभ्यारण्य का विस्तार जो है वो उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक है। तो ठीक है, और एक चीज़ इसमें एक मॉडर्निटी आ रही है आपकी, ये देखिए ध्यान से देखिए कि अगर पूछ ले कि सबसे बड़ा घरेलू संरक्षण केंद्र कहाँ पे है, तो वो आपका इसी में है, किसमें है आपका, चंबल अभ्यारण्य में। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो है घड़ियाल, जो एक मगरमच्छ जैसे की प्रजाति का ही है घड़ियाल, जो पानी में रहता है, तो उसको संरक्षित करने के लिए जो है वो सबसे बड़ा आपका संरक्षण केंद्र कहाँ पे है आपका, चंबल में है। फिर चलते हैं हम कैन। तो कैन कहाँ पर आपका, छतरपुर में है। तो ये तो हमको मालूम है कि कैन नदी जो है वो छतरपुर में है, तो उससे हम याद रख सकते हैं कैन कहाँ पर, छतरपुर में है। और यहाँ पर भी जो है वो गिद्ध, वो ये क्या कहते हैं, घड़ियाल और मगरमच्छ को संरक्षण देने के लिए बनाया गया है ये, घड़ियाल और मगरमच्छ। तो घड़ियाल मगरमच्छ जो है कैन नदी में मिलते हैं आपके, तो उन्हीं को संरक्षित करने के लिए बनाया गया है। और एक चीज़ में बहुत खास है जो एग्ज़ाम में आपकी आ सकती है, बहुत दुर्लभ फैक्ट है, तो यहाँ पर जो है वो गिद्ध देखा होगा आपने कि गिद्ध अब जो है धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, गिद्ध धीरे धीरे जो है वो विलुप्त जाति में आ रहे हैं। तो गिद्धों को संरक्षण यहाँ पे दिया जा रहा है, कहाँ दिया जा रहा है, कैन में, कहाँ दिया जा रहा है,
कैन में जो है वो गिद्धों को संरक्षण दिया जा रहा है। अब हम अगला चलते हैं, तो अगला हमारा है सोन अभ्यारण्य। तो सोन अभ्यारण्य कहाँ पे है? सोन नदी आपकी कहाँ पे है? हमारे एरिया में ही है। तो शहडोल सीधी तो यहाँ पे आपका सोन अभ्यारण्य है। और सोन नदी में जो है वो घड़ियाल और मगरमच्छ काफ़ी मात्रा पाए जाते हैं, तो इनको संरक्षित करने का भी काम यहाँ पे हो रहा है। और एक जो खासियत है, ये प्रसिद्ध जो सोन हमारा जो प्रसिद्ध है, वो यहाँ पे विभिन्न प्रजातियों के केचुआ जानते होंगे आप, जो मिट्टी में रहते हैं केचुआ रहते हैं, कृषि के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। तो केचुआ प्रजाति को जो है वो यहाँ पे संरक्षित किया जा रहा है, उसके लिए ये प्रसिद्ध भी है। फिर अगला चलते हैं हम, अगला हमारा है सिंघोरी। तो सिंघोरी कहाँ पे आपका? रायसेन में है। सिंघोरी कहाँ पे है आपकी? रायसेन में है, तो इसको दिमाग में रखिएगा। फिर अपना चलते हैं राता पानी, अगला है आपका राता पानी, ये भी फेमस है आपका। तो राता पानी जो है वो आपका कहाँ पे है? रायसेन में। तो रासे राता पानी रासे राय। और एक खास जो क्वेश्चन इसमें आ सकता है इम्पोर्टेंट रूप से, कि मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, वो एकमात्र अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा है जहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट योजना लागू की गई है? तो वो आपका यहीं पे है, आपका रातापानी जो आपके रायसेन में है। इसको जो है वो 2012 में यहाँ पर जो है वो टाइगर प्रोजेक्ट योजना लागू की गई है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं जहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट योजना है, और एक अभ्यारण्य है वो कौन सा है आपका? राता पानी। तो इसको याद रखिएगा, टाइगर जो होता है वो क्या करते हैं, दिन के तो अपना ये सोते हैं और रात के शिकार के निकलते हैं, तो जाकर के रात के जो है वो पानी पीते हैं। तो क्या कब पीने, बाघ शेर का पानी पीते हैं तो रात के पीते हैं, बाघ कब पानी पीते हैं तो रात के पीते हैं, तो उससे बना लो राता पानी कहाँ पे है? रायसेन में है। और शेर जो है वो क्या होता है कि राजा होता है, शेर जो जंगल का क्या होता है, बाघ राजा होता है, तो उसी हिसाब से अपन बना लें इसकी कोडिंग। फिर अगला हम चलते हैं, तो अगला है बगदरा कहाँ पे आपका? सीधी में है। बगदरा आपका अभ्यारण जो है वो कहाँ पे है? सीधी में है। तो बगदरा से बना लें बगला देखा होगा आपने, बहुत सीधे साधे दिखते हैं बेचारे, एक ही जगह बैठे रहते हैं, बहुत कम हिलते जुलते हैं, तो अपन कहते देखो भाई कितना सीधा बैठा हुआ है बगला, कितना जो है वो सीधा बैठा हुआ है, तो उससे कोडिंग बना लीजिए बगदरा से बना लीजिए बगला से बना लीजिए कि बगला सीधे होते हैं, तो सीधी बना लीजिए। फिर चलते हैं हम बोरी, तो बोरी आपका कहाँ पे है? आपका होशंगाबाद, उसमें छोड़ भी रहा हूँ ताकि आप लोग भी अपने आप कोडिंग बनाएं। तो बोरी कहाँ पे आपका? होशंगाबाद में है। बोरी जो है वो होशंगाबाद में है, तो हम जो है वो हमको बोर नहीं होना चाहिए, हमको क्या होगा? बोर नहीं होना चाहिए, तो उससे कोडिंग बना लें बोरी कहाँ बोर नहीं होना चाहिए, होना तो होना से बना लीजिए होशंगाबाद, तो बोर से बना लीजिए बोरी से बना लीजिए बोर माने कि होता है कि कह सकते हैं कि हम उदास टाइप के हो जाएं, उसको बोर बोलते हैं कि हमारा मन ना लगना, तो जब मन लगेगा तो हमको क्या है कि हमको उदास नहीं होना चाहिए, ये कहा गया कि हमको जो है वो कैसी भी कठिन परिस्थितियां हो उदास नहीं होना चाहिए, तो बोर से बना लीजिए उदास नहीं होना, होना से बना लीजिए होशंगाबाद। फिर आपका आता है फैन अभ्यारण्य, तो फैन अभ्यारण्य कहाँ पर आपका? मंडला में है, तो मंडला से बना लीजिए मथना। जब हम किसी चीज़ को मथते हैं तो क्या निकलता है उससे? फैन निकलता है, जैसे कि हम दही है, दही को हम मथनी से अगर मथते हैं तो उससे क्या निकलता है? फैन निकलता है, मक्खन के रूप में है ना, तो उससे हम याद रख लें कि फैन कहाँ पे होगा? मथने से क्या हो गया आपका? मंडला हो गया। फिर चलते हम गांधी सागर, तो गांधी सागर बांध कहाँ पे आपका? वो गांधी सागर बांध भी है यहाँ पे। गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ पे आपका? तो गांधी सागर अभ्यारण्य जो है वो आपका मंदसौर में है। तो गांधी जी के बारे में एक चीज़ बहुत फेमस है, अगर हम नोट भी देखें तो गांधी जी जो है वो मंद मुस्कुराते थे। गांधी हमारे जो राष्ट्रपिता गांधी जी हैं वो कैसे? मंद मुस्कुराते थे, तो गांधी जी मंद मुस्कुराते थे, तो मंद से बन जाएगा आपका मंदसौर। तो गांधी सागर कहाँ पे आपका? मंदसौर। गांधी जी जो है वो मंद मुस्कुराते थे। फिर आपका पचमढ़ी, तो पचमढ़ी कहाँ है आपका? होशंगाबाद में है। पचमढ़ी कहाँ है आपका? होशंगाबाद में। तो किसी को एक पंच मार दो तो बिल्कुल लापरवाह होगा, तो वो क्या हो जाएगा? सतर्क हो जाएगा, बिल्कुल होश में आ जाएगा, तो उससे बना लीजिए पंच से बना लीजिए पचमढ़ी कहाँ पे आपका? होशंगाबाद में है। फिर पनपथा आपका जो है वो शहडोल और उमरिया में है। शहडोल और
उमरिया में है। तो पहले शहडोल में हुआ करता था, लेकिन शहडोल से ही जो है वो उमरिया ज़िला बना दिया गया है। तो अब ये दो ज़िलों में है, शहडोल और उमरिया में है। और अगला आपका है पेंच, इसका नाम मोगली पेंच है पूरा नाम। यहाँ पे जो मोगली है एक बच्चा जो जानवरों के बीच में रहता था, तो उसके बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने जो है वो एक बुक लिखी है जंगल बुक, उसमें उसका उल्लेख किया है। तो वो यहीं पे मिला था, तो इसके नाम से मोगली पेंच नाम रखा है इसका। और ये कहाँ पे है आपका, तो हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी आपका सिवनी छिंदवाड़ा में है, और ये भी आपका जो है वो सिवनी छिंदवाड़ा में है। तो इस तरह याद रखिएगा सिवनी छिंदवाड़ा। फिर आपका संजय या डुबरी, संजय डुबरी, तो संजय जो है वो संजय नाम के व्यक्ति जो है वो बहुत सीधे होते हैं। खुद ही समझ लीजिए कि संजय जो है बहुत सीधे होते हैं, संजय मतलब बहुत सीधे, सामान्य संजय, सामान्य सीधे, सामान्य संजय, सामान्य सीधे। तो ये कहाँ पे है आपका, सीधी में है, ठीक है, कुछ अपने आप से कोटि बना सकते हैं। और अगला राष्ट्रीय अभ्यारण हमारा है ओरछा। ओरछा जो है वो पहले आपका टीकमगढ़ में था, ये अभ्यारण आपका जो है टीकमगढ़ में था, लेकिन ओरछा तहसील को जो है वो अब जो नया ज़िला बनाया गया है बावनवा ज़िला, मध्य प्रदेश का बावनवा ज़िला, हमने एक वीडियो बनाया है उसको आप देख सकते हैं। तो मध्य प्रदेश का बावनवा ज़िला कौन सा बनाया गया है, निवाड़ी बनाया गया है। तो अब ये ओरछा जो है वो टीकमगढ़ में ना होकर कहाँ पहुँच गया आपका, निवाड़ी पहुँच गया है। तो इसको ख़ास तौर से ध्यान रखिएगा, लेकिन ये भी देखने में आ रहा है, हो सकता है ऐसा कि पुराने पैटर्न पर अगर क्वेश्चन दिया जाएगा, अगर आपका उसमें निवाड़ी जिले का उल्लेख नहीं है विकल्प में, तब फिर आपको क्या करना है, आपको क्या लगाना है, टीकमगढ़ ही लगाना है आपको, है ना। और जो ओरछा पर्यटक स्थल है वो भी आप कहाँ पहुँच गया आपका, निवाड़ी पहुँच गया है। फिर आपका नरसिंह, तो यहाँ पे नरसिंह जो है वो एक प्रकार से शेर, नरसिंह का एक अवतार हुआ था उनको, तो नरसिंह जो है वो एक प्रकार से कैसे थे, सिंह क्या होता है, सिंह जो है वो जंगल का राजा होता है, सिंह क्या होता है, जंगल का राजा होता है। तो राजा से बना लीजिए राजगढ़, नरसिंह सिंह मतलब राजा, राजा से बना लीजिए राजगढ़। और फिर आपका अंतिम है ये दुर्गावती, तो दुर्गावती आपका जो है वो कहाँ पे है, जो हमारा नवीन जिला बना हुआ है दमोह में, तो अभी ये दमोह में। और कुछ बात हम और करना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में जो है वो कुछ आपके अभ्यारण जो है प्रस्तावित है, तो उनको भी आप नोट कर लीजिए, बोर्ड में जगह नहीं थी इसलिए हमने लिखा नहीं उसको, तो वो कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। तो एक तो आपका है कालीभीत, कालीभीत अभ्यारण है जो आपके बैतूल में स्थापित किया जाना है, प्रस्तावित है ये। और दूसरे आपके जो है वो एक है सुरमेनिया, कौन सा है, सुरमेनिया, और दूसरा है आपका मंधाता, दूसरा है आपका मंधाता। तो ये दोनों अभ्यारण जो है वो आपके खंडवा में प्रस्तावित हैं। और एक अभ्यारण आपका है कट्ठीबाड़ा, तो ये अभ्यारण आपका जो है वो अलीराजपुर, जो झाबुआ से काट के बनाया गया है आपका एक ज़िला बनाया गया अलीराजपुर, मध्य प्रदेश का जो है वो पश्चिमी ज़िला अलीराजपुर, तो वहाँ पे आपका जो है वो जो प्रस्तावित अभ्यारण है हमारा, वो नाम क्या है उसका, आपका कट्ठीबाड़ा, क्या नाम है, कट्ठीबाड़ा। तो यहाँ पे खास तौर से जो है वो मोरों को सुरक्षित करने के लिए बनाया जा रहा है, ये खास तौर से किसको, मोरों को सुरक्षित करने के लिए बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से मेरा ये वीडियो हो सकता थोड़ा सा लंबा हो गया हो, क्योंकि बड़ा ज़्यादा टॉपिक था, और लगभग ये जो भी अभ्यारण हमारे हैं लगभग ये सब पूछे गए हैं एग्जाम में, तो इनका जिला आपको विशेष रूप से याद रखना है। और किसी अभ्यारण के बारे में अगर कोई खास बात है, जैसे उन्होंने बताया जैसे गिद्धों के संरक्षण के लिए कैन में है आपका, है ना, और दूधराज जो पक्षी है आपका, तो दूधराज जो है हम दूध कैसे पीते हैं, घटाघट पीते हैं, तो इसको घाटी गाँव मना लीजिए, इससे याद रखिए। और सबसे बड़ा कौन सा आपका, नोरादेही, कहाँ पर है आपका, सागर में है, तो नोरादेही से, नोरा से बना लीजिए, नीर बना लीजिए, और नीर माने पानी, पानी कहाँ होता है, सागर में होता है, तो इससे सागर जिला बना लीजिए। और राला मंडल आपका कहाँ पे है, ये उज्जैन में है, राला मंडल कहाँ पे आपका, इंदौर में है, ये सबसे छोटा है। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आप लोग काफ़ी देख रहे हैं मेरा वीडियो, और इससे काफ़ी लोग लाभान्वित हो रहे हैं, तो ये जानकर के मुझको बहुत खुशी होती है। कमेंट भी आ रहे हैं और लोग हमको प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो इससे हमें क्या होगा कि नए नए वीडियो बनाने की हमको प्रेरणा मिलती है। तो मैं मुख्य रूप से आरके सक्सेना, इस समय आपका जो MPGK उसकी श्रृंखला में चालू किया हूँ, इसके अलावा आपका सामान्य विज्ञान है जनरल साइंस उसकी भी एक श्रृंखला चालू किया हूँ, तो उसके वीडियो हम लगातार दे रहे हैं। और एक आपका होता है GK या आपका GS, तो उसके भी निरंतर में एक दो दिन के अंदर अंतराल में जो है वीडियो
देता रहता हूँ। तो मुख्य रूप से ये वीडियो हमारे जो है अभी आपकी MPPSC होने वाली है 20 जून को, और पुलिस के एग्ज़ाम भी जो है वो बहुत ज़्यादा अब आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि फार्म भर लिए गए हैं, रद्द नहीं हुए हैं, केवल पोस्टपोन हुई है डेट। तो यही जून जुलाई के आसपास जो है वो MP पुलिस भी हो जाएगा, और तभी तक जो है वो व्यापम की कुछ नई वैकेंसियाँ जो आने वाली हैं वो आपकी आ जाएंगी। तो इसी तरह से आप सहयोग देते रहिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और जहाँ पे भी आपको जो भी वीडियो चाहिए, आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, तो वीडियो में हमारी क्या कमियाँ हैं, क्या आपको अच्छा लग रहा है, तो हमको बताओ, हमको बताइए, ताकि हम जो है वो अपने आप में सुधार कर सकें। तो मैं RK सक्सेना अगले वीडियो तक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।